नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं और आपके बराबर में लेटा साथी लगातार खर्राटे ले रहा है तो यकीन मानिए आपकी नींद खराब हो जाएगी। अब यह स्थिति उल्टी भी हो सकती है, यानी आपको खर्राटे आ रहे हो और आपके खर्राटों की वजह से आपके बराबर में लेटे हुए साथी जो है वो पूरी रात सो ना सके। जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो आपको लगता है कि हमारी वजह से किसी की नींद कैसे खराब हो सकती है, चूंकि आपको आपके खर्राटों के बारे में पता ही नहीं होता। कई कई मामलों में आपको हैरत होगी ये जानकर कि लोगों की खर्राटों की वजह से शादियां तक टूट गई हैं। खर्राटे असल में एक ऐसा रोग है जो आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है, ऑन सीरियस नोट। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक यूएसए में 40% कपल्स के अलग अलग सोने की जो बड़ी वजह है वो खर्राटे की समस्या है। अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान में अभी 24 से 50% पुरुष और 14 से 30% महिलाओं में खर्राटे लेने की आदत आमतौर पर देखी गई है। ऐसे में दोस्तों, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटों का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है और खर्राटे की ये जो प्रॉब्लम है हम उससे बच कैसे सकते हैं, यानी इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, खर्राटे के जो रोगी हैं वो हमारे घर परिवार अड़ोस पड़ोस चारों तरफ हमको लोग ऐसे मिल जाते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। लिहाजा 4 या 5 मिनट का ये जो पूरा वीडियो बनकर तैयार हो रहा है इसको आप लोग पूरा देखें, इसकी एक भी लाइन आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो समस्या है वो हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर खर्राटे आते क्यों हैं। असल में खर्राटे आने के जो कारण हैं उसको आप समझिए। नींद के दौरान जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब हमारी गर्दन और सिर के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनमें कंपन होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू हमारी नाक के रास्ते टॉन्सिल और मुंह के ऊपरी हिस्से में होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो ये टिश्यूज़ सोने की वजह से संकुचित हो जाते हैं। इसी वजह से हवा को अंदर और बाहर जाने में जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण सॉफ्ट टिश्यू में कंपन पैदा होता है और कंपन से पैदा होने वाली आवाज़ को ही हम खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे मोटापा इसका एक कारण है, स्मोकिंग भी इसका एक कारण है, अगर आपको साइनस की समस्या है तो भी आपको खर्राटे आ सकते हैं, आपको एलर्जी है तो भी आपको खर्राटे आ सकते हैं, गलत साइड में आप करवट लेकर के सो जाते हैं तो भी आपको खर्राटे आ सकते हैं, ज़्यादा शराब पीने की जो आदत है उससे भी आपको खर्राटे की समस्या हो सकती है, सोने के दौरान गले पर दबाव पड़ने से भी लोगों को खर्राटे की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अगर आप स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं तो भी आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। असल में स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोने के दौरान सांस रुक रुक कर चलती है। दोस्तों, अगर वक्त रहते खर्राटे का इलाज सही नहीं लिया आपने तो यकीन मानिए इससे आपको कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन के साथ साथ ये डायबिटीज़ का कारण भी बन जाती है। ऐसे में अगर आपको भी खर्राटों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें। मसलन, सोने से पहले शराब का सेवन आप बंद कर दें, उल्टे होकर यानी पेट के बल ना लेटें, अपना वजन जो बढ़ा हुआ है अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं तो अपने वजन को कंट्रोल करें, स्मोकिंग से दूर रहें, भरपूर नींद लें। खर्राटों को दूर करने में जैतून का तेल भी काफ़ी फायदेमंद होता है। जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन की समस्या को दूर करने का काम करते हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। रात में सोते समय जैतून के तेल की कुछ बूंदें अगर आप नाक में डालकर सोएंगे तो आपको खर्राटों की समस्या से बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। खर्राटों को दूर करने में देसी घी भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। देसी घी को हल्का सा आप गर्म करके उसकी कुछ बूंदें आप नाक में डालें। नियमित तौर पर ऐसा करने से खर्राटों की समस्या में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। कई बार नाक बंद होने से भी खर्राटों की समस्या होने लगती है, ऐसे में आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने से भी आपकी जो बंद नाक है वो खुल जाती है और खर्राटों में आपको राहत मिलती है। खर्राटे की समस्या से निजात पाने के लिए आप एक्सरसाइज और योग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कपालभाति, भुजंगासन, धनुरासन, अनुलोम विलोम ये कर सकते हैं। खर्राटों से बचने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इस एक्सरसाइज के लिए आप सबसे पहले आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, होठों को बंद कर लें, नाक से गहरी सांस लें और फिर उसको छोड़ें।
गले की जो पीछे की मांसपेशियों को धीरे 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 पीछे की ओर खींचें और फिर सांस लें और उसको छोड़ें। मुंह बंद रखें, कम से कम 9 बार इसका आप अभ्यास करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको खर्राटों की समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। खर्राटों की समस्या हमारी सेहत के कई पहलुओं पर असर करती है, इसलिए खर्राटों को रोकने के लिए आप जल्दी कदम उठाएं, अपने लिए भी और अपने उस साथी के लिए भी जो आपके करीब या फिर आपके कमरे में सोता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट हमने खर्राटों को लेकर के तैयार की है और जो आपको टिप्स बनाए हैं यकीनी तौर पर आपके बहुत काम आएंगे और इनका बहुत सा फायदा आपको मिलेगा। तो अगर आप खर्राटों से पीड़ित हैं या आपके घर परिवार में किसी को खर्राटे आते हैं तो ये पूरा वीडियो उनको बिठा करके दिखाइए और खुद भी देखिए, और हाँ, इस जानकारी को अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए ताकि आपको खर्राटों से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और हाँ, इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।